दोस्तों इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे जिंक टेक्नोलॉजीज के 12 वोल्ट के यूपीएस की। अब ये यूपीएस कैसा है, ये थोड़ा सा हटके यूपीएस है। अगर आपके पास घर में ब्रॉडबैंड है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, और नहीं भी है तो भी देखिए क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो हो सकता है आपके लिए। बट अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है तो ये डिवाइस आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी डिवाइस हो सकता है। कि क्या काम में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पावर कट होता है, पावर कट आप कितनी भी मतलब अच्छी सिटी में रहते हैं तो भी वहाँ पे पावर कट ज़रूर होता है। एक मिनट के लिए होता है या एक घंटे के लिए होता है, बट होता ज़रूर है। बट वो पावर कट आपके मॉडेम के लिए बहुत हेडेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो मॉडेम है वो पावर कट की वजह से बंद हो जाता है, बट लाइट तो आ जाती है वापस, एक मिनट में आ जाती है। बट आपका मॉडेम वो लाइट आने के बहुत देर बाद चालू होता है, क्योंकि वो उसको चालू होने में ही टाइम लगता है। बहुत सारे मॉडेम होते हैं ऐसा जो जिनको चालू होने में, पावर ऑन होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो कनेक्ट जो इंटरनेट होता है उसको कनेक्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वहाँ पर ये सब नहीं हो, इसलिए हमें ये 12 वोल्ट का यूपीएस काम में आता है। ये यूपीएस एक तरह से आपके मॉडेम के लिए पावर बैकअप है। जब भी पावर कट होगी तो आपका मॉडेम बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास कोई एक लैपटॉप है और आप चाहते हैं कि यार पावर कट में भी आपके लैपटॉप में इंटरनेट चलता रहे, और मॉडेम क्योंकि आपके पास मॉडेम में ब्रॉडबैंड लगा रखा है तो वो तो पावर कट में वो जो है इंटरनेट तो बंद नहीं होता है, वो तो चलता रहता है। अब इंटरनेट आपका मॉडेम बंद होता है क्योंकि आपके यहाँ पावर कट है, बट इंटरनेट तो चल रहा है। तो उसका एक ये सोल्यूशन है कि यूपीएस लगा लो मॉडेम के लिए, तो मॉडेम चलता रहेगा, इंटरनेट भी चलता रहेगा, और आपके लैपटॉप अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तो उनमें भी इंटरनेट चलता रहेगा। तो ये 4 घंटे तक का बैकअप देता है। अगर आपके यहाँ 4 घंटे तक लाइट नहीं आई, 4 घंटे तक आपका मॉडेम चलता रहेगा इससे। और इसको आप काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जो 12 वोल्ट का सपोर्ट करती है, यानी कि जो जिनका पावर सप्लाई 12 वोल्ट है। नॉर्मली जो जितने भी मॉडेम होते हैं वो सभी 12 वोल्ट के ही होते हैं, तो 12 वोल्ट का ये यूपीएस है। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करूंगा और आपको रियल एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे बिना किसी पावर के मॉडेम हम चला सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। तो वो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस तरह की कुछ पैकिंग में आता है ये जिंक का टेक्नोलॉजी 12 वोल्ट का यूपीएस। अब इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ही हमको देखने को मिलता है यहाँ पर जो हमारा यूपीएस है वो, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी छोटा सा यूपीएस है, इतना सा यूपीएस है, देखिए ये मेरे हाथ में इतना सा आ रहा है और ज़्यादा जगह नहीं लेगा आपकी टेबल पे। 2 पोर्ट मिलते हैं आपको, एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए, और एक स्विच मिलता है ऑन ऑफ का। तो ये अभी ऑफ है, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा एक लाइट इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं और हमें बॉक्स में क्या देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक केबल मिलती है, ये आउटपुट के लिए ही मिलती है आपको। इनपुट के लिए आपका जो मॉडेम के साथ जो एडाप्टर आता है उसकी केबल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ, पहले देख लेते हैं और हमें क्या मिलता है। जैसे कि ये तो हमें एक केबल मिलती है, उसके अलावा हमें 2 जो है यहाँ पर सेट ऑफ ये आउटपुट के लिए कनेक्टर मिलते हैं, और ये इनपुट के लिए कनेक्टर मिलते हैं। क्योंकि हमारे पास मॉडेम जो होते हैं वो काफ़ी अलग अलग होते हैं, इनकी जो साइज़ होती है आगे की वो काफ़ी अलग अलग होती है, जो दोनों आपको साइज़ में मिलते हैं देखने को। तो बाकी बस बॉक्स में और कुछ भी देखने को नहीं मिलता, एक ये यूपीएस मिलता है छोटा सा और एक केबल मिलती है। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो जल्दी से हम जो है यहाँ पर एक मॉडेम लेके आते हैं और इसको कनेक्ट करता हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है मॉडेम मेरे पास, डी लिंक का मॉडेम है, 12 वोल्ट का इसमें पावर हमको लगता है, 12 वोल्ट डीसी। 12 वोल्ट का आपका मॉडेम होना चाहिए, 12 वोल्ट से कम होगा तो चल जाएगा, बट ज़्यादा होगा तो ये फिर सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको 12 वोल्ट का अगर आपका मॉडेम है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, 12 वोल्ट में काम करेगा। बट जहाँ तक मुझे लगता है सारे मॉडेम फाइबर में भी अगर आपके पास कोई मॉडेम है तो वो 12 वोल्ट के ही आते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं आते, उससे कम आते हैं बट ज़्यादा की नहीं आएंगे। तो ये सभी मॉडेम को ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो उसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको कनेक्ट करके पहले ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये जो केबल है ये हमें इसके आउटपुट में लगाना है, क्योंकि ये हमें आउटपुट चाहिए, इनपुट में नहीं लगाना है, आउटपुट में लगाना है। और ये जो केबल है ये जाएगी मॉडेम में। अब दिक्कत ये है कि इसकी मॉडेम की जो केबल है वो छोटी है और ये बड़ी है, तो इसमें फिट कैसे होगी। तो ये यहाँ पर काम में आएंगे हमारे जो कनेक्टर है वो, जो इसके साथ आए थे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें कनेक्टर मिलता है, जो आउटपुट वाले कनेक्टर हैं वही आपको लगाना है। तो मैं यहाँ पे आउटपुट वाला कनेक्टर निकाल के लगा लेता हूँ जो मेरे मॉडेम में फिट आता है। तो मेरे मॉडेम में ये पतली जो पिन है हल्की सी, ये वाला फिट आता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे इसको कनेक्ट कर लूँगा यहाँ पर, और ये जो है ये यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और इसको मैं स्विच ऑन कर दूँगा यहाँ से, देखिए ये स्विच ऑन किया। तो देखिए आप, मैंने कोई भी पावर नहीं दिया है अभी मॉडेम को कहीं से भी आउट, ये इसका एडाप्टर पड़ा है मॉडेम का, ये मैंने अलग रखा है, और हमारा मॉडेम जो है वो चल रहा है देखिए, और पूरा चालू हो जाएगा, चालू होने में टाइम लगेगा इसको, ये पूरा चालू हो जाएगा। तब तक मैं सेट कर लेता हूँ इसको इनपुट देने के लिए,
कि ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बता दें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मॉडेम चालू हो चुका है हमारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पूरा कनेक्शन कर दिया है। ये जो हमारा एडाप्टर है मॉडेम का वो डायरेक्टली इसमें लगा दिया है। और अगर अभी हमारी पावर चली भी जाती है तो हमारा मॉडेम बंद नहीं होगा। तो जैसे कि मैं देखिए यहाँ पर मैं स्विच ऑफ़ कर रहा हूँ इसका, ये मैंने स्विच ऑफ़ कर दिया है। देखिए अभी हमारी पावर नहीं गई है, मॉडेम की पावर नहीं गई है। मैं स्विच ऑन कर दूंगा तो भी वाज इट इज़ रहेगा। तो जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा तो डायरेक्टली हमारा पावर जो है वो एडाप्टर से मॉडेम में आने लग जाएगा। और अगर मैं स्विच ऑफ कर दूंगा तो इससे हमारा जो पावर है वो डायरेक्टली आने लग जाएगा। तो यही है इसका मेन फंक्शन इस यूपीएस का, और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आपके घर में ब्रॉडबैंड है तो एकदम बेस्ट चीज़ है ये, आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। अगर फिर भी कोई इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों ये है एक 12 वोल्ट का यूपीएस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने उन फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो जिनके यहाँ पे पावर कट ज़्यादातर होता रहता है और उनके यहाँ पे ब्रॉडबैंड भी लगा है और वो परेशान है बार बार ये सब के चक्कर में। तो उनको बोलो कि ये एक बार लगा लें, टेंशन फ्री हो जाए। ये मैंने सिर्फ 1000 रुपीज़ में लिया है सेल में। अब ये ऑफर मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, बट ये अभी 1000 रुपीज़ में नहीं मिलेगा आपको, 1400 रुपये में मिलेगा। बट अगर आपको इस तरह के ऑफ़र चाहिए कि यार जब भी ये ऑफ़र में आए और आपको मिल जाए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस तरह के ऑफ़र मिलेंगे। मैं कोई भी बकवास ऑफ़र या एड वहाँ पर नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अच्छे ऑफ़र्स आप लोगों के लिए डालता हूँ। तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे ऑफ़र्स मिलेंगे। अभी ये करीबन 1400 रुपये का होगा आपको जाके। 1400 रुपये में भी ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड है और आप ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, खास करके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये एकदम मस्ट डिवाइस है आपके लिए। तो आप जरूर से इसको ले सकते हैं। और अगर इस वीडियो को लेके या फिर इस डिवाइस को लेके कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई डाउट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।